रायबरेली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेमिका की बेटी पर बुरी नज़र डालने के कारण अधेड़ युवक की हत्या हुई थी। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दाऊदपुर रामनगर गांव का था, जहां बीते 21 अगस्त को मेंडीलाल पुत्र सुकरू उम्र 50 वर्ष का शव गांव से बाहर थोड़ी दूर जंगल में पड़ा मिला था। मृतक के बेटे सुनील कुमार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने, जहां मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जांच शुरू की। जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो सामने एक चौंकाने वाला तथ्य आया, जिसे जानकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस की जांच में पाया गया कि मृतक मेरीलाल की पड़ोस में रहने वाली महिला गीत के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी गांव वालों को भी थी। मृतक मेरीलाल उसे महिला को घर भी आया जाया करता था, लेकिन उसकी नज़र प्रेमिका गीता की 19 वर्षीय बेटी रोशनी पर थी। मृतक मेंडी लाल आए दिन उसकी बेटी से छेड़खानी किया करता था। इसका विरोध दोनों माँ बेटी ने किया था, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। दिनांक 21 तारीख को थाना गुरुबख्शगंज क्षेत्र में दाऊदपुर गांव में एक मेरूलाल नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी, और जब उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसकी पसलियों में चोट और स्ट्रैंगुलेशन एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन पाया गया, जिससे यह तस्दीक हो गया कि उस व्यक्ति की हत्या की गई है। और हत्या की जगह पे उसकी चप्पलें भी प्लांट की गई थी, और ऐसा लग रहा था कि कहीं और हत्या करके उसकी बॉडी को वहाँ ले जा करके रखा गया है, उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुँच करके अपनी जाँच पड़ताल शुरू की और मुकदमा लिख करके उसमें हम लोगों ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, और 24 घंटे के अंदर थाना गुरबख्शगंज पुलिस के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें दो महिला अभियुक्त लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जानकारी करने पर यह पता चला है कि उनमें से एक महिला, जिसकी उम्र करीब 45 साल की और उसी गांव की रहने वाली है, पिछले 5 सालों से उस गाँव में रह रही है, उस महिला के साथ इस व्यक्ति का एक प्रेम संबंध था, और वो करीब 2 सालों से उसके साथ लगातार रह रहा था। उस महिला की एक 19 साल की बेटी भी है, और जो मोटिव है वो ये पता चला है कि फिर वो उसके साथ साथ वो व्यक्ति जो मृतक है उसने उस लड़की के साथ भी संबंध बनाने का प्रयास किया, जिससे वो महिला बहुत नाराज़ हो गई, और उसने फिर घटना की रात को योजना बना करके इसको अपने पास बुलाया, और इसने और उसकी लड़की ने मिल करके उसको पहले उस पर वार किया डंडे से, जिसकी उसकी पसलियों में चोट आई, और फिर उसे गिरा करके चुन्नी से उसका गला दबा दिया। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पे वो चुन्नी जिससे उसका गला दबाया गया था और वो चादर जिसमें उसकी बॉडी को लपेट करके वहाँ घटनास्थल पर घसीट के डाला गया था, और वो डंडा जो आला कतल है, ये सब बरामद कर लिया गया है, और अभियुक्तों से पूछताछ करके उस मजरूम कार्रवाई की। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।